हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। चलो कॉलेज सीरीज 3.0 शुरुआत कर रहे हैं। सारा डेटा, सारा एनालिसिस, हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। कॉलेज के रिव्यूज, फिर उसके बाद में ब्रांचेस के रिव्यूज, फिर कौन से परसेंटेल पे कौन से कॉलेज, हर चीज मिलेगी यहाँ पे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बच्चों गणित अंक के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो। आज का वीडियो है आपके जेईई मेन स्कोर के बारे में। शुरू करें, गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूँ। आज हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस का स्कोर आपके हाथ में है, आपको पता है कि जेईई मेंस का आपका कितना परसेंटाइल आया है, उस परसेंटाइल के बेसिस पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और आज बात करेंगे पुणे कॉलेजेस का। यस बच्चों, तो पुणे में कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है आपके जेईई मेंस के परसेंटाइल पर, ये तो चेक करके रख लेते हैं ना। एक तो कॉलेज अपना पक्का हो जाएगा फिर, है कि नहीं। यस, उससे पहले आपको पता है कि जेईई मेंस का स्कोर क्या फायदा है एमएच महाराष्ट्र कॉलेजेस में। 15% कोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि PICT एक कॉलेज है जहाँ पे अज्यूम करते हैं कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जो ब्रांच है, वहाँ पे 120 सीट है, तो इसमें से जेईई मेंस के थ्रू कितनी आएगी, 15% ऑफ 120, मतलब कितने, 18 सीट्स विल बी फिल्ड बाय जेईई मेंस स्कोर। यस, जेईई मेंस स्कोर से 18 सीट इसमें से जो है वो फिल होगी। ये बहुत सारे ही कॉलेजेस के लिए। सर सारे कॉलेजेस के लिए है क्या, चलिए वो भी बता दूं आपको, क्लियरली बता दूं आपको। ये समझ में आया ना, 15% कोटा होता है। यस बच्चों, सारे कॉलेजेस के लिए है क्या बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज एक्सेप्ट COEP, क्योंकि COEP जो है लास्ट ईयर, क्या आप COEP से जानते हो, लेकिन CTU बन गया है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गया है अभी, है ना, राइट। तो COEP जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गया है, तो यहां पे अब जेईई मेंस का स्कोर एप्लीकेबल है, आप जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं COEP में। हाँ बच्चों, तो ये अच्छी न्यूज है ना, किन के लिए, OMS कैंडिडेट्स के लिए। जो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं उनके लिए जेईई मेंस स्कोर ज्यादा प्रिफरेबल है। यह CET स्कोर से ज्यादा प्रिफरेबल जेईई मेंस स्कोर, आपको पता है, राइट। फिर अलावा जो बच्चे CET दे चुके हैं लेकिन उनके पास डोमिसाइल नहीं है, तो अगेन वो नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट है, तो उनके लिए ज्यादा प्रिफरेबल है। वैसे अप्लाई सब कर सकते हैं बच्चों, आप जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं जिन्होंने MHT CET दी है, वो भी जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैन अप्लाई थ्रू जेईई स्कोर। यस, है ना। तो सर सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चे कर सकते हैं, नॉन महाराष्ट्र वाले कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये थोड़ी क्लैरिटी ले लीजिए। पहली बात, 15% कोटा होता है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होता, ठीक है, COEP में होता है क्योंकि COEP जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन VJTI में नहीं होगा, है ना। बाकी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जलगांव का, अमरावती का, नागपुर का, अवसारी खुर्द, बहुत सारे जो गवर्नमेंट 13-14 कॉलेजेस है, हमारा SPCOE, इन सब में नहीं होगा एप्लीकेबल, ठीक है। यस बच्चों, तो इन सब में एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। और ये सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन OMS और जिन बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल ऐसा कुछ नहीं है, जो महाराष्ट्र कैंडिडेट नहीं दिखा पा रहे खुद को, उनके लिए जेईई मेंस का स्कोर ज्यादा प्रिफरेबल होता है, ठीक है बच्चों, लेकिन सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलो अब मैं दिखाऊं आपको कितने कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, जो आपको देखना था। यस, उससे पहले मैं आपको बता दूं यार कि मैंने काउंसिलिंग बैचेस स्टार्ट करी है, लॉन्च करा है। स्टार्ट तो हम रिजल्ट आने के बाद करेंगे, है ना, उसमें। लेकिन एक बात अच्छी कि मैंने आपको लास्ट ईयर का पूरा कोर्स फ्री दिया है, मतलब आप लास्ट ईयर की सारी चीजें देख सकते हो, पूरे क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो सीनियर्स के, मैंने बहुत सारे वीडियोज लिए थे सीनियर्स के, जो मैंने एक एक घंटे के पूरे सेशन लिए थे, दो दो घंटे के, वो सब देख सकते हो, फ्री है, इसके साथ लास्ट ईयर के पूरे कोर्स। तो ऑप्शन है आपके पास प्रो, प्रीमियम, प्लस, है ना, ये सारा क्या है सर, तो डिटेल्ड वीडियो शेयर किया है मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो काउंसिलिंग बहुत अच्छे से हम करते हैं, आप फटाफट डेल्टा 3.0 में आ जाइए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं आखिर में दूंगा। चलिए बात है वापस से हमारे टॉपिक पे कि सर मार्क्स कैसे। तो बच्चों ये इस तरह की एक्सेल शीट है जो हम देते हैं हर किसी को, हमारे डेल्टा 3.0 के कोर्स में देंगे, इसमें सारे कॉलेजेस के कट ऑफ दिए हुए हैं। देखो ये सब दिए है ना, ओपन वालों का, OBC वालों का, SC ST, है ना ये। तो अब मैं तो जेईई मेंस देखने आया हूँ सर, तो जेईई मेंस का देखते हैं, ठीक है। ये पूरी शीट मैं हर किसी को देता हूँ जो भी मेरे कोर्स में एनरोल होता है, हर किसी को।
और इतना ही नहीं, आप इससे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, इसे मैं इंटरैक्टिव एक्सेल शीट कहता हूँ। आप यहाँ पे जेई मेन स्कोर पुणे कंप्यूटर 80 to 90, अगर आपको कोई चेंज करना परसेंटेज 94 to 98, ये कॉलेज की पूरी लिस्ट मिल जाती है आपको कि 94 से 98 में वो कौन से कॉलेज है जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। या कंप्यूटर की जगह सर आपको और कोई ब्रांच चाहिए, ENTC तो कौन कौन दे रहा है इस स्कोर में, सब दिख जाता है आपको। तो ये इंटरैक्टिव एक्सेल शीट भी आपको मिलेगी, राइट बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि कौन से कॉलेजेस है ना, वही कह रहा हूँ ना, कोर्स में बहुत एफर्ट लिया है हमने, इतना अच्छे से आपको डेटा देते हैं, हर रीजन का देते हैं। पुणे के कॉलेजेस का बताइए सर, तो आप खुद देख लीजिए बेटा कि अगर मुझे COEP में कंप्यूटर IT चाहिए है तो 99.7 ये कट ऑफ था लास्ट ईयर का कैप राउंड 1 का, 99.7 कंप्यूटर का अगर COEP में चाहिए। सर COEP में कोई और ब्रांच चलेगी मुझे? देखिए और कौन सी ब्रांच, यहाँ पे सारे ब्रांचेस का डेटा है। आप देख सकते हैं कि ENTC 99.1 पे गया था, इलेक्ट्रिकल 98.5 पे गया था, मैकेनिकल 97.4 पे गया था और सिविल 96 पे गया था। तो अगर आप COEP में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे चाहिए और मैं JEE मेंस के थ्रू जा सकता हूँ क्या, तो देखिए 96 पे सिविल गया हुआ है, बाकी ब्रांचेस जो है वो उसके ऊपर ही है, ठीक है। सर मुझे कंप्यूटर IT ही चाहिए तो कौन से दूसरे कॉलेजेस है क्या, आप ध्यान से देखिए इस पूरे डेटा को, है ना बच्चा। तो पुणे रीजन लिया है मैंने, मतलब इसमें सांगली और सारी चीजें भी आ रही है, वालचंद सांगली भी आ रही है। PICT में देखिए आप 98.5 पे IT गया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद में AIDS भी आया था PICT में, तो 98.5 पे वो भी गया है, राइट। अगर आप नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं वालचंद सांगली, तो वालचंद सांगली गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा जेई मेन्स को, देखो ब्लैंक है इसीलिए। फिर VIT में क्या हुआ सर, तो 98, 97 IT, फिर 96.8, 96.2 AIDS, देखो आप सारे ब्रांच वाइज दिए मैंने, तो आपको 96 के ऊपर रहना पड़ेगा परसेंटाइल में। सर जेई मेंस में भी इतने स्कोर लाने पड़ेंगे क्या? यस, बहुत सारे बच्चे प्रीफर करते हैं, और कितने बच्चे चाहिए ना, 15% तो कोटा है, ठीक है। यस बच्चों यहाँ पे लेकिन महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्र सब इक्वल होते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट PCCOE कॉलेज में देखिए, ओके सर मेरे 60-70% मुझे कुछ कंप्यूटर मिलेगा क्या? आप नीचे जाएंगे तो देखिए कुछ कुछ कॉलेजेस में यहाँ कट ऑफ कम होते आप देख सकते हैं कि 80-70% में कुछ कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो जेई मेन्स का भी कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहता है। जेई मेन्स में जिनको 70-80-90 मिला है उन्हें कंप्यूटर मिल जाएगा, आप देख सकते हो ना। जेई मेन्स में अगर आपको 80% के आसपास है तो आपको सियागढ़ कॉलेज है, फिर और रायसोनी कॉलेज है ना, JSPM कॉलेज है, जो आपको यहाँ मिल रहे हैं, राइट। अलग अलग कॉलेजेस है सर, कंप्यूटर नहीं कोई और ब्रांच, कोई और ब्रांच तो बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अगर आप और थोड़े ब्रांचेस में जाते हो बच्चों, तो ENTC आपको देखो 60% पे भी मिल जाते हैं कुछ कॉलेजेस में। यहाँ पे देखिए मैकेनिकल तो और भी कम, इवन 4 or 5% पे भी मैकेनिकल मिला है, आप देख रहे हो। अब 4-5% पे भी कुछ कॉलेजेस है, या 20-30% वालों को भी मैकेनिकल मिल जाता है। तो जेई मेंस का स्कोर आपका 3-4% क्यों ना हो, वो भी बड़ा काम आएगा अच्छे कॉलेजेस में, है ना। आप देखोगे यार कौन सा कॉलेज है सर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30 नंबर का कॉलेज है ये, तो आप देख सकते हो सर ये सियागढ़ कॉलेज है। तो 4-5% वाला बच्चा अगर सियागढ़ कॉलेज मिल जाता है तो और क्या चाहिए भाई, है कि नहीं। तो ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा मैं आपको दूंगा खेलने के लिए, ये पूरा डेटा आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, राइट। और मजा आएगा ना आपको जब आप खुद देख पाओगे कि मुझे क्या क्या मिल सकता है जेई मेंस के थ्रू, क्या क्या मिल सकता है मुझे CET के थ्रू। तो उसके लिए आपको बस वही है कि हमारे कोर्सेज में आने पड़ेंगे, बट ये है कि जेई मेंस के स्कोर पे हमें कॉलेजेस मिल सकते हैं। और कौन कौन से परसेंटाइल है सर, 80 से 90 अगर वाले बच्चे देखें तो 80 से 90 में आपको ये कॉलेजेस है, DY पाटिल, ASMS, फिर उसके बाद मॉडर्न कॉलेज, सियागढ़ का मेन कैंपस, मराठ MMCOE, राइट। ये सारे कॉलेजेस जो पुणे के हैं, भारतीय विद्यापीठ जो वुमेन्स के लिए है, KIT भी है जो आपको यहाँ पे 88% में मिल रहा है, कंप्यूटर IT की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इवन 80% पे भी आपको KIT मिल रहा है, 80% अगर आपके है, राइट, तो आपको कंप्यूटर में AIML मिल जाएगा। तो 80% के आसपास है तो आप समझते हो बहुत अच्छे कॉलेजेस है यार, ये टॉप 20 कॉलेजेस है पुणे रीजन के, तो इन सारे कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो सकती है। तो ये अच्छी बात है ना, आपकी जो जेई मेंस का स्कोर है वो फायदा आपको बहुत दे रहा है। इसमें जिनको कम है उनको ब्रांच में अगर आपने सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज किया, तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है। यस, तो अगर आपको 60-70% आए हैं सर जेई मेंस में, 50 आए हैं सर, 40 आए हैं सर, फिर भी टॉप कॉलेज मिल सकता है। थोड़ा सा ब्रांच अगर हम ऊपर नीचे कर ले, तो अगर हम ब्रांच थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इस तरफ जाए, या और कोई ब्रांच की तरफ जाए, केमिकल इलेक्ट्रिकल, अच्छा कॉलेज मिल सकता है हमको हमारे कम से कम परसेंटाइल में। तो आई एम श्योर आपको आइडिया आ रहा होगा कि यहाँ पर भी अगर टॉप 10 कॉलेज में जाना है तो 90+ percentile लगेगा कंप्यूटर IT के लिए, है ना, एक सिंपल सी अगर मैं मैथमेटिक्स करूँ तो, ठीक है बच्चों। तो ऐसा पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए टू एनालाइज, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, यस और ना बच्चों। तो बस बढ़िया, तो फटाफट आप लोग जुड़ सकते हो मुझसे, और आपने देखा ना डेटा कितना मस्त है, कितना बढ़िया है, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत एफर्ट दिया है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट दिया है, ठीक है बच्चों। तो
आप लोग ये डेटा एनालाइज करो, खुद से रिसर्च करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि टॉप 10 में जाना है तो 90-95+ अगर कंप्यूटर आईटी चाहिए, और बाकी ब्रांचेस में भी 85+, और उसके बाद जो है 60-70 पे भी मिल सकता है सर, यस। 50 क्या 5% पे भी मिल सकता है सर, यस। ये एक अच्छी बात मैंने आपको बता दी, आई एम श्योर आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो रहा होगा। तो एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं सीईटी के स्कोर के थ्रू और जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकता हूं क्या? यस बच्चों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जो बेस्ट मिलेगा ना वही आपको अलॉट होगा। अगर समझो मैंने एमएससी सीटी का स्कोर भी के लिए भी डाला है और जेईई के स्कोर के लिए भी डाला है, तो इसमें से जो बेस्ट कॉलेज आपको मिल रहा है, अगर एमएससी सीटी के थ्रू मिल रहा है तो वो डिस्प्ले होगा, और सीईटी के थ्रू मिल रहा है, जेईई मेंस के थ्रू मिल रहा है तो जेईई मेंस का होगा। तो ऐसे है ना, जिसके भी थ्रू भी आपको बेस्ट मिल रहा है वो ऑप्शन आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रही है सारी बातें। आप गणितज्ञ ऐप डाउनलोड करो, इस चलो कॉलेज सीरीज के साथ जुड़े रहो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, फटाफट फटाफट दूंगा। एंड यस, काउंसलिंग कोर्सेज फिर से कह रहा हूँ लॉन्च हो चुके हैं, हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, जो करते हैं बहुत डिटेल में काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है पूरे कोर्स को लेकर, है ना, तो आप देखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।